हलचल टीवी न्यूज। नगर परिषद के चुनावों को लेकर जिला उपायुक्त व विनय सिंह यादव व एसएसपी राकेश कुमार आर्य ने नरवाना के कमला मेमोरियल राजकीय पीजी कॉलेज में सभी वार्डों के प्रत्याशियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई तथा सभी प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग दे। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की प्रांतीय में किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर, फोटो तथा गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। नरवाना में सभी कैंडिडेट से मिलने के लिए आए थे और इसका दो उद्देश्य थे। एक तो हम अपनी मनसा स्पष्ट कर दें कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रशासन खड़ी हो जाए, और दूसरा उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनको सुन करके और उनको निदान भी निकाल। ये दोनों उद्देश्य थे हमारे और इसी कारण से आज हम नरवाना में आए हैं। बाकी कैंडिडेट्स को हमने बताया है कि 200 मीटर की दूरी के ऊपर वो अपना बूथ एस्टेब्लिश करें, लेकिन उसके सामने उनका कोई फोटो वगैरह बोर्डिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और वो लीगली ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि सभी बूथों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और उनकी ब्रीफिंग भी की गई है कि किनको अलाउ करना है, किनको नहीं करना, कौन ऑथराइज्ड है, वो संबंधित प्रिजाइडिंग ऑफिसर से संपर्क में रहेंगे। और इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज भी हैं जो कि समय समय पर वहाँ पे बूथ पे चक्कर लगाती रहेंगी, घूमती रहेंगी। कोई हमारा एलिमेंट वहाँ दिखेंगे तो उनको वहाँ से हटाएंगी। और इसके अलावा हमने रिजर्व फोर्स में भी प्लाटून्स रखी हैं एसपी साहब के नेतृत्व में, तो सफिशेंट पुलिस का अरेंजमेंट किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता रहेगी। नरवाना से हलचल टीवी के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।